दोस्तों आज मैं मेथी दाना के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका हमारे स्वास्थ्य जीवन में कितना प्रभाव है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। यदि आप ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, शुगर के रोगी हैं, गठिया से टीका के रोगी हैं, तो यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी आपका मैं अपनी चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया हूं कि आज हम हमारे दैनिक जीवन में मेथी दाना का क्या प्रयोग है और हमारे स्वास्थ्य में कैसे लाभकारी है, इसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। यदि आप शुगर के रोगी हैं तो मेथी दाना प्रतिदिन लेते हैं तो 99% आपके शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यदि जो व्यक्ति शुगर से ग्रसित नहीं है, यदि प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मात्रा करके मेथी दाना का प्रयोग करेंगे तो शायद उनको शुगर छू भी नहीं पाएगा। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। अब तो समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि घर में अक्सर आप लोग ने देखा होगा कि घर में जो माँ है खाना जब बनाती है और जब सब्जी बनाती है तो उस समय छौंका लगाती है सब्जी का, तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कड़वा तेल डालने के बाद उसमें मेथी दाना डालती है और थोड़ी देर तक उसको जलने देती है और जलने के बाद फिर उसमें जो डालना होता है डालती है। तो मेथी तो हम लोग ऐसे भी थोड़ा थोड़ा करके ले ये रहे हैं जिससे हमारे शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं आपको इससे और बेहतर जानकारी दे रहा हूं। जैसे कि यदि आपका उम्र 30 साल हो गया, यदि आप नियमित रूप से सब्जी में तो लेते ही हैं, यदि ऐसे भी लेते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा करके प्रतिदिन सुबह में ब्रश करने के बाद, ब्रश वाली नहीं दातून वाली ब्रश को, ब्रश के बारे में मैं बोल रहा हूं, नीम का दातून हो, बबूल का दातून हो, और इसके बाद में कुछ नहीं 5 से 10 दाना प्रतिदिन लेते हैं और आपका शरीर पहले से बिल्कुल स्वस्थ है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको शुगर और गठिया नहीं होगा। और मैं आगे बता रहा हूं, जिसका बीपी हाई या लो हो रहा है, यदि वो भी मेथी दाना का प्रयोग करता है तो उसका भी बीपी हाई और लो होने से रुक जाएगा और जो संभव होना चाहिए उतना ही पर रुका रहेगा। तो जो हमारा यह मेथी दाना है, शुगर में, बीपी में, जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभदायक है। अब मैं सर्दी के मौसम में भी यह हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है।
शायद इस बात से सभी लोग वाकिफ होंगे कि जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, हमारे घर की माँ बहने मेथी का लड्डू बनाया करती है और हम बहुत ही चाव से उसे खाते भी हैं। अब इसका राज जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। इसमें क्या होता है कि मेथी दाना होता है, नया चावल होता है और अलसी भी होता है। तो मेथी दाना जो है ठंड के मौसम में ठंड लगने से भी हमें बचाता है, इसलिए कि जो मेथी का तासीर है वो बहुत ही गर्म होता है। यदि कोई जैसे ही ठंडे का मौसम आता है उसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में ठंड लगता है तो वह मेथी का 5 से 10 दाना अगर नहीं लेना चाहता है तो वह व्यक्ति मेथी का लड्डू घर में बंधवा करके और वह प्रतिदिन 1 लड्डू अगर लेता है तो भी वह सर्दी जुकाम बीपी और शुगर से बचा रह सकता है। मेथी दाना हमारे शरीर में जो आयरन की कमी होता है उसमें भी भरपूर मात्रा में फायदा करता है, यानी कि आयरन की जो मात्रा है हमारे शरीर में बढ़ाता रहता है। तो अभी आज मैं यह वीडियो 17 नवंबर को बना रहा हूं। अब हमारे यहाँ ठंडा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और मार्केट में भी हम कहीं कहीं देख रहे हैं कि इस समय मेथी पत्ता, जिसे हम साग कहते हैं, मेथी का पत्ता बाजार में बिकना शुरू हो गया है। तो हम मेथी पत्ता घर में ला करके और मेथी पत्ता से हम साग बना करके खाते हैं तो भी हमें जो मेथी दाना से हमें हमारे शरीर को पूर्ति होता है, वही मेथी पत्ता से भी हमारे शरीर को पूर्ति होता रहता है। यदि आप लड्डू भी नहीं खाना चाहते हैं, मेथी का साग भी नहीं खाना चाहते हैं तो, और जो खड़ा मेथी है, मेथी दाना, उसको भी नहीं लेना चाहते हैं तो एक और विकल्प है। आप शाम को सोते वक्त आधा गिलास पानी में 1 चुटकी मेथी दाना डाल दीजिए। वह सुबह होते होते बिल्कुल ही फूल जाता है और वह फूला हुआ मेथी सुबह में दातुन करने के बाद चबा करके खा जाइए और जितना पानी है सब पानी पी जाइए तो वह भी उतना ही फायदा करता है। तो मैं आप लोगों को मेथी दाना के बारे में बता रहा था कि हमारे जीवन में मेथी दाना का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम नहीं जानते थे कि मेथी दाना का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, जब घरों में सब्जियां में या भिंडी वगैरह का जब बनाती थी भुंजिया करके तो उसमें मेथी दाना डालती थी तो उसमें क्या होता था कि वह जल करके और टाइट हो जाता था। जब हम लोग भुंजिया खाते थे तो दांत के पास आता था तो कड़कड़ करके बाजता था तो हमें बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन शायद हम सबों को इसके बारे में बाद में जानकारी हुआ, हमारे माँ दादी को ये सब पहले से ही पता है। इसीलिए तो हम जब से देख रहे हैं तब से मैं देखता आ रहा हूं कि मेथी दाने से ही सब्जी को छौंका लगाती आ रही है
और हर साल जब भी ठंडे का मौसम शुरू होता है वैसे ही मेथी का लड्डू घर में बांध करके और रख देती है, और जैसे ही हम लोग दातून करते हैं प्रतिदिन एक लड्डू हमें खाने को देती है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं आज करीब 8-10 साल से प्रतिदिन खास करके नीम और बबूल का दातून ही करता आ रहा हूं, और दातून करने के बाद में मेथी दाना एक चुटकी प्रतिदिन लेता हूं। लेकिन आज तक अभी कभी भी हमें बीपी की शिकायत हुआ है न शुगर की शिकायत हुआ है। तो हम आप लोगों से भी यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी पैसा बचाना चाहते हैं तो मेथी दाना का प्रयोग करें, मेथी साग का प्रयोग करें, मेथी के लड्डू का प्रयोग करें, और खास करके ठंडी सर्दी के मौसम में इसका जो तासीर है बहुत ही गर्म होता है। जैसे ही ठंडे मौसम के बाद गर्मी का मौसम आता है उस समय इसका प्रयोग बहुत ही कम कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आप इसका मात्रा बढ़ा करके ही लेते रहेंगे तो आपको गर्मी के मौसम में परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये खुद का बहुत गर्म है और ऊपर से गर्मी का मौसम, तो समझिए कि कितना आपको गर्मी लगेगा। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था मेथी दाने के फायदे। यदि आप मेथी दाना खाने में प्रयोग करते हैं तो बीपी, शुगर, गठिया, सटीका और जोड़ों का दर्द और शरीर में जो आयरन की कमी है उसको यह मेथी दाना भरपूर मात्रा में पूर्ति करता रहता है। तो यह स्वास्थ्य संबंधी वीडियो मेरा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो YouTube पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी एक और वीडियो लेकर के अगले वीडियो में मैं आप लोगों से इसी तरह से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।